Illustration number is 3. On 31st March 2012, balance sheet of Gomti Limited was as follows. You have a liabilities and the assets given. This net profit of the company after providing for the taxes were as follows. मतलब जो भी प्रॉफिट्स दिए हैं वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स के बाद प्रॉफिट्स का दिया है, सो यू ओनली हैव टू टेक द एवरेज. ऑलरेडी टैक्स अप्लाई करने के बाद ही आपको जो प्रॉफिट्स मिला है दैट इज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. यू हैव अ प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 5 years गिवन टू यू. ऑन 31st March 2012 लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 375,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 225,000. नाउ ये तो सिर्फ फर्स्ट टू लाइंस पढ़ा, आई नीड टू फर्स्ट रीड द लास्ट लाइन टू सी के कौन से मेथड का सम दिया है हमें, हाउ लाइक फ्रॉम विच मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द सम. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase ऑफ सुपर प्रॉफिट. मतलब ये सम किसका है, सुपर प्रॉफिट मेथड का, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. कि जब भी आप प्रॉफिट लोगे तो आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है 5 साल का. सो इफ़ यू रिमेंबर जो हमने फर्स्ट मेथड की थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें वो भी अप्लाई होगा. सो वी हैव टू सॉल्व दिस सम फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट. तो अभी भी हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो रीवैल्यूड फिगर है वो किसके लिए मिला है. सो फॉर द स्टेप नंबर 1, बिकॉज आर स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करते हैं, ऑल द असेट्स एट अग्रीड वैल्यू माइनस ऑल योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो अभी जो बैलेंस शीट में इनकी वैल्यू है वो नहीं लेके वी आर गोइंग टू टेक अ री वैल्यू फिगर विच इज 375,000 एंड 225,000. रीजन फॉर राइटिंग इट डाउन ओवर हियर क्या, आप फिर भूलना. नेक्स्ट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसिडर एट 8%. सो दिस इज योर NRR विच इज बीन गिवन. सो अभी हमें ये पता चल गया कि सम किसका है, सुपर प्रॉफिट. सो जब भी सुपर प्रॉफिट आया हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू कंप्लीट, 5 steps स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड पर्टिकुलर्स रुपीज. कैसे करेंगे, ऑल द असेट्स एट अग्रीड वैल्यू माइनस योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो फर्स्ट वी विल बी राइटिंग इट डाउन लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, देन यू हैव अ स्टॉक डेटर्स कैश एंड बैंक. सो वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल दिस एट अ बैलेंस शीट वैल्यू में जो दिया है वो ही वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. बिफोर एक्सटर्नल लायबिलिटी टेक अ टोटल ऑफ ऑल योर असेट्स एंड कीप इट. तो आपका जो भी टोटल आएगा दैट विल बी 21,07,500 लेस ऑल योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज. पहले चेक करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन कौन सी है. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन and proposed dividend. Take all the 4 your external liabilities, sorry external liabilities ko likha. Take the total of your external liability, to aapko total milega 327,500. Now, how we will be getting capital employed? So, capital employed is equal to all the assets at agreed value minus your external liability. So, assets minus liabilities here. So you will be getting the capital employed. तो कितना मिला capital employed? 17,80,000 रुपीज. सो ये हमने step 1 को complete किया. Now step 2 is to calculate normal profit. कि हमें normal profit कितना मिल रहा है. So what was the formula to calculate normal profit? What was the formula? Yes, very good. Capital employed into NRR. तो फर्स्ट स्टेप में मुझे जो कैपिटल एम्प्लॉयड मिला, आई गॉट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 17,80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय NRR इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 8%. सो 17,80,000 का 8% कम्स टू 1,42,400. नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ FMP ऑल्सो नोन एज एवरेज प्रॉफिट. Now if you see in the question, we have already the average profits given. Sorry, past profits given, we just have to take the average of it. Just take a total. Sare ka total le lo. See, they have given from 2012, 11, 10, 9 and 8. So 5 years ka already profit hai. Take a total and divide it by 5. So this will give you the
एवरेज प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज एफएफपी. सो मैंने क्या किया, एवरेज ले लिया सारे प्रॉफिट्स का डिवाइडेड बाय 5 किया. वो डोंट डू डायरेक्ट लिया, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो फिर डिनोमिनेटर करके आंसर फाइंड आउट. मेनी टाइम्स व्हाट यू डू, ये स्टेप के बाद डायरेक्टली आंसर लिखते हो, डोंट डू दिस. सॉल्व द न्यूमरेटर एंड देन यू फाइंड आउट द आंसर. तो स्टेप नंबर 3 से हमने क्या मिला, वी गॉट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,65,000. सो वी हैव कंप्लीटेड 3 स्टेप्स टिल नाउ. कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया एंड द थर्ड स्टेप में आई हैव कैलकुलेटेड द एवरेज प्रॉफिट और यू कैन से एफएमपी. नाउ स्टेप नंबर 4 विल बी टू कैलकुलेट योर सुपर प्रॉफिट. शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल. सो हमें कितना मिला था, एफएमपी 1,65,000 हमें एफएमपी मिला. नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिला था हमें, 1,42,400. सब्ट्रैक्टेड यू विल बी गेटिंग अ सुपर प्रॉफिट ऑफ 22,600. अभी भी गुडविल कैलकुलेट नहीं किया हमने, यहाँ पर सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. योर लास्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द गुडविल. सो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. कितने इयर्स ऑफ परचेज था, 3 इयर्स ऑफ परचेज. सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अ गुडविल फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड. सो हाउ मेनी स्टेप्स वी कंप्लीटेड, 5 स्टेप्स. एक बार कंप्लीट सम चेक कर लेते हैं. स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे ना तो आपका सम इजी हो जाएगा. वो स्टेप बाय स्टेप